हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। औरा पार्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। गाइस, ये वीडियो में एपीके साइन की जेनरेट करेंगे। एपीके साइन की कहाँ पे यूज़ होता है, जब भी आप अपना एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में पब्लिश करेंगे उसके बाद आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो उसी टाइम आपको एपीके साइन की का ज़रूरत पड़ता है। आप इसी की का मदद से आप अपना एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। आपने एक एप्लीकेशन बनाया और उसको प्ले स्टोर में अपलोड कर दिया, उसके बाद अगर आप चाहते हैं जो उस एप्लीकेशन के में चेंजेस करना, उसका अंदर कुछ नया चीज़ ऐड करना, मतलब अपडेट करना, उसमें अपडेट डालना, उसका वर्जन अपडेट करना, तो उसके लिए आप उसको अपडेट करेंगे तो उसी अपडेट के लिए आपको एपीके साइन की इसकी मदद से आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ये की जेनरेट बिना जेनरेट करके एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में अपलोड करते हैं तो आप उसको दोबारा अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एपीके साइन की आपको जेनरेट करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते जाइए, आपको इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा आप किस तरह से अपना एप्लीकेशन के लिए ऐप साइन की जेनरेट कर सकते हैं। ओके गाइस, और ये जो वीडियो है, ये वीडियो पार्ट नंबर 5 है। ये वीडियो में ये एक नया सीरीज है, पूरा का पूरा सीरीज है। स्केचवेयर का बनाया हुआ एप्लीकेशन को आप किस तरह से प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकते हैं, उसका रिलेटिव ये पूरा का पूरा सीरीज़ है। अगर आपने इसका पार्ट नंबर 4, 3, 2, 1 ये सब नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। आप ही का हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका फ्री वर्जन आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करके इसको पूरा सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है ये इसमें आप जितना मर्जी साइन अप की आप जेनरेट कर सकते हैं। ओके गाइस, और ये की तभी लगता है जब भी आप प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे। अपडेट करने टाइम आपको ये की लगेगा। अगर आप ये की बिना जेनरेट करके आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में पब्लिश करते हैं तो आप उसको दोबारा अपडेट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया, अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद अगर आप चाहते हैं जो उसमें कुछ चेंजेस करना या फिर कुछ को उसमें कुछ ऐड करना है, उसको अपडेट करना है, उसी टाइम मतलब उसको अपडेट करने के लिए आपको ये की मदद से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप एपीके साइन अप की इसको बिना जेनरेट किए आप इस एपीके को, ये जो एप्लीकेशन है, इसको अगर आप प्ले स्टोर में पब्लिश कर देते हैं तो ये पब्लिश तो हो जाएगा, लेकिन आप इसको सेकेंड टाइम इसको आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। ओके गाइस, तो इसी के लिए आपको ये चाहिए। जो एप्लीकेशन आपको अपडेट नहीं करना है तो आप उसका की जेनरेट मत कीजिए, डायरेक्टली पब्लिश कर दीजिए, चलेगा। अगर कोई एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है तो उसके लिए आपको ये इसमें की आपको जेनरेट करना पड़ेगा, और ये पूरा पूरा फ्री है। आप इसमें जितना मर्जी अपना की जेनरेट कर सकते हैं। आने वाला टाइम में आप एप्लीकेशन को कैसे अपडेट कर सकते हैं उसका रिलेटिव भी आपको वीडियो इसी चैनल में मिल जाएगा। आपको मैं ये जेनरेट किया हुआ की, ये जो मैं यहाँ पे अभी एक की बनाऊंगा, जेनरेट करूंगा, उसी की से मैं आपको इसी एप्लीकेशन को अपडेट करके मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं इसका वर्जन। उसके बाद आप प्ले स्टोर में दोबारा पब्लिश करके अपडेट देख सकते हैं, मतलब करा सकते हैं। उसका रिलेटिव भी वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। ओके गाइस, मतलब एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो ये लिखा हुआ है साइनिंग, तो यहाँ पे आपको साइनिंग करना है और यहाँ पे आपको की जेनरेट करना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम एक की जेनरेट करेंगे, आपका हमारा जो की है उसको हम जेनरेट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, उसका ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे रखना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी ईमेल, ये आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है, इमेज लोड। ये देखिए, ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है। मैं यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे डाल दिया है, और आपका आपका जो एप्लीकेशन है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है, और आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड, ठीक है। तो आप जो पासवर्ड याद रख पाएंगे उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है।
यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो जितना भी 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सेम टू सेम पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना इसका नाम दे दिया है, और यहाँ पे हम मैंने अपना पासवर्ड, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको काट देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड, यहाँ जो आपको जो दो पासवर्ड देना है वो आपको याद रखना है, आपने क्या पासवर्ड दिया है एक कागज़ में आपको लिख लेना है ये सभी चीज़। और इसी को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, कॉपी करने के बाद इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। और यहाँ पे इसको 99 साल तक आपको देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। और गाइस, ये जो की हम जनरेट कर रहे हैं ये सिक्योर नहीं है। अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में हम अपना एप्लीकेशन के लिए साइन अप की जनरेट करते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर रहता है। ओके गाइस, फिर भी ये चलेगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी को आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इशू बोल रहा है, और यहाँ पे आपका ये जितना भी जगह है आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है, इसी को ही पेस्ट कर देना है। ये नहीं, ठीक है, देखा, देख लिया आपने। यहाँ पे बोल रहा है सिटी और लोकलिटी, यहाँ पे सिटी बोल रहा है, तो आपका जो भी सिटी है आपको देना है। तो ये मेरा मेरा सिटी का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, और स्टेट स्टेट भी मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपका सिटी का नाम और आपका स्टेट का नाम आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिया, ये इंडिया में है तो आपका कंट्री कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देख लिया आपने मैंने कैसा किया, आपको बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना अपना सिटी का नाम डालना है, और यहाँ पे आपका स्टेट का नाम डालना, मतलब आप कौन सा जगह में है उस जगह का नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ आप कौन सा देश में रहते हैं यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इंडिया, तो इंडिया का मैंने IN दे दिया, यहाँ पे पहले से था। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा दे दिया। बनने के बाद इसको यहाँ पे देखिए, आपको एक टिक का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, इसका ऊपर हम टिक कर देंगे। गाइस, ये देखिए, ये हमारा जो इमेज लोड का की है वो की हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। ओके, ये की को आप अपना मेमोरी फाइल में आप सेव कर लेंगे। ठीक है, इसका पर प्रेस कीजिए, सॉरी, इसका पर आप प्रेस क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको अपना जो फाइल है आप उसको सेव कर लेंगे। आप कैसे सेव कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ES, देखिए इस तरह से आप इसको अपना फाइल में आप सेव कर लेंगे, या फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से, नहीं तो आप व्हाट्सएप में किसी को भेज दीजिए। आप कैसे भी करके ये की को आप अपना फोल्डर में आप सेव कर लीजिए, कोई भी एक फोल्डर में आप यहाँ से सेव कर सकते हैं सिलेक्ट करके। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक फोल्डर है मेरा, ये वाला, इसका अंदर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेव हो गया है। तो ये की को आपको सेव कर लेना है। ठीक है गाइस, ये की को आपको सेव करके रख लेना है। अगर आपको किसी दिन ज़रूरत पड़ा, अगर ये एप्लीकेशन के अंदर अगर आपका की डिलीट हो गया गलती से, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ऊपर प्रेस कीजिए, प्रेस करने के बाद ये देखिए, ठीक है, या फिर इसका ऊपर आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, इसका ऊपर प्रेस करके आप, उसका ऊपर प्रेस करके आप उस की को जहाँ पे आपने शेयर मतलब सेव करके रखा है वहाँ से आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये की को आप याद करके इसको आप सेव कर लीजिएगा अपना फाइल में, व्हाट्सएप में, कहीं पर भी आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए। ओके, ये देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अपना फाइल से एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसमें से कर सकते हैं। तो मेरा एप्लीकेशन जो ये यहाँ पे इंस्टॉल है, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल है, तो इसी को मैं यहाँ पे लूँगा। तो इसका ऊपर प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद ये वाला एप्लीकेशन है, ये वाला है मेरा इमेज लोड। ओके, ये वाला इमेज लोड है, तो इसका ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जो मेरा की है उसी का ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद आपके सामने आपका मोबाइल का जितना भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए, तो ये मेरा एप्लीकेशन जो है, इसी इसी को मैं इस इसका अंदर मैं अपना की को ऐड करूंगा।
तो इसको मैं इसका पर क्लिक करता हूँ, दोबारा कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अभी सेव करने के लिए बोल रहा है, आपका जो भी फाइल है आप वहाँ पे इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। मतलब अपना मेमोरी में इसको आप सेव कर लीजिएगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आपका जो भी फाइल है, आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा फाइल में ये सेव हो रहा है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और सेव करने टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसको कट कर देना पड़ेगा इस तरह से, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ऐप, इस तरह से लिखना पड़ेगा। जैसा मैंने किया वैसे आपको करना पड़ेगा, सेम टू सेम। कुछ भी और लिखेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करके इसको आप सेव कर दीजिए, इस तरह से सेव कर दीजिए। जब भी आप सेव करेंगे, ठीक है, आपको उसको कट करना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप लिखना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ऐप लिखा हुआ है ना, तो आपको इस तरह से ऐप लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो करने के बाद ये देखिए हमारा ये जो एपीके है ये साइन हो गया है। अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आप इसको स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो फिलहाल हमने ये जो एप्लीकेशन है इसको हमने सेव किया था जो फाइल में, यहाँ पे हमने सेव किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल किधर गया। ये रहा हमारा फाइल, इसको हम बैक कर देते हैं। मैंने सेव किया था इस फाइल में, ये देखिए इसमें यहाँ पे मैंने सेव किया था। ये देखिए ये रहा मेरा मेरा एप्लीकेशन जिसको मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था। और ये रहा मेरा वो एपीके, मतलब सॉरी एपीके मतलब नहीं, वो की, वो की को हमने यहाँ पे JKS, देखिए ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था जो यहाँ पे सेव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव करके रखा था वो यहाँ पे है, और ये मेरा एपीके है। तो इसी को हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें इसे प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे प्लस का आइकन, इसका ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा जो अभी अभी जिसको मैंने की में ऐड किया उसी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से इसका टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइमिंग लिखा हुआ है 4:16:16, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 4:17 हो गया है। देखिए यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, MB देख सकते हैं, उसका नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है टाइमिंग, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऐड किया, तो इसका ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई हो गया है, देखिए अभी ये वेरीफाई हो गया है। मतलब ये जो ग्रीन कलर का आ गया है, साइन इन दिखा रहा है, मतलब अभी ये जो एप्लीकेशन है पूरी तरह से कंप्लीट है प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सॉरी इसको मैं कट कर देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है अभी ये एप्लीकेशन को हम प्ले स्टोर में पब्लिश करेंगे। अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, हम इसको अभी इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो पुराना वाला है इसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, अनइंस्टॉल कर देंगे। और इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, हो जा भाई, ठीक है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी जब भी आप एपीके साइन इन होने के बाद आपको इस तरह का आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी पूरी तरह से कंप्लीट है, इसीलिए आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। अभी इस तरह से आपको दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसके आप इसको इंस्टॉल एनीवे कर दी, इंस्टॉल एनीवे इसका पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अभी ये नया एप्लीकेशन बनाया गया तो इसीलिए मोबाइल में इस तरह से आ रहा है सिक्योरिटी। आप इसको डोंट सेंड कर दीजिए, डोंट सेंड, ठीक है, कर दीजिए। उसके बाद इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया है। अभी ये एप्लीकेशन को मैं प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकता हूँ, ओके गाइस। यहाँ से मैं ये जो एप्लीकेशन है ये एक इमेज डाउनलोडर एप्लीकेशन है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आप वेट कीजिए, उस पार्ट में मैं ये एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में पब्लिश करूँगा। प्ले स्टोर में पब्लिश करने से पहले गूगल कंसोल खरीदूंगा। गूगल कंसोल एक अकाउंट है, उसको क्रिएट करने के बाद उसी के अंदर मैं ये एप्लीकेशन को पब्लिश करूँगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा आप किस तरह से एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इस वीडियो को अच्छे से देखिए, हेडफोन लगा के वीडियो का क्वालिटी ज़्यादा करके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई इसी तरह का नया इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगा तो तुरंत ही आपका मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।